महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दिए। अलका लांबा ने रावण से पीएम की तुलना कर दी है। पीएम मोदी रावण जैसा काम कर रहे हैं, ये कहना है अलका लांबा का। रावण ने सीता का हरण किया था, पीएम ने देश के गरीब मजदूरों के अधिकार छीने, अधिकारों का हनन कर पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ा आरोप अलका लांबा की तरफ से। वो रावण अपने राज को चलाने में उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे, देश का उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा। तो अलका लांबा का एक बार फिर से यहां पर विवादित बयान सामने आया है और अब इस बार वो प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर रही हैं। उनका कहना है कि रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन प्रधानमंत्री अब गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं। एक बड़ा आरोप अलका लांबा की तरफ से। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करूंगा मैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी का। साहू जी, देखिए अलका लांबा जी की तरफ से एक और विवादित बयान सामने आया, प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर रही, उस रावण की तुलना जिसने सीता का हरण किया। लेकिन बड़ा आरोप वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जो हैं वो गरीबों का हक छीनते हैं, पूंजीपतियों को देते हैं। ये कोई बड़ा आरोप नहीं लगा रही हैं वो? देखिए अलका लांबा जी ने जो भी बातें कही है बिल्कुल सही कही है। गरीबों की जेब में दाखल डाल करके अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा माफ करना प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि सरकार का काम होता है चैरिटी करना। अलका लांबा जी ने रावण वाला जो बयान दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि रावण का जो राज था उसमें महिलाएं सुरक्षित थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है चुनावी रैलियां करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास समय है झूठ बोलने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास समय है, लेकिन मणिपुर जाकर के वहां के लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। इसको उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा था। उनके बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। ठीक है अजय जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बड़े आरोप अलका लांबा लगा रही हैं और उन आरोपों को सही बता रहे हैं अजय साहू जी, लेकिन जब सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती तब कोई तारीफ नहीं और आड़े हाथों अलग ले लिया जाता, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इस प्रकार जो आरोप है प्रधानमंत्री को नीच कहना, चाय वाला कहना, घटिया कहना, खून का सौदागर कहना, मौत का सौदागर कहना, ये लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमारे आदित्य भाषण देते हैं कांग्रेस के लीडरान, लेकिन वो ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की ये जो पद्धति है कि चुनावों के दौरान भी मित्रवत रहना चाहिए। आपके विचार अलग है, मनभेद हो लेकिन मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, लेकिन इस प्रकार से हमारे आदित्य भाषण देकर ये जनता से और कोसों दूर होते जा रहे हैं। अगर मणिपुर की बात मेरे मित्र अजय साहू जी कह रहे थे तो उन्हें पता रहना चाहिए कि एक कुकी और मैताई समूह की बहुत पुरानी लड़ाई है और इसको लेके अब काम चल रहा है, धीरे धीरे वहां पर शांति स्थापित हो रही है। लेकिन रावण की तुलना एक देश के प्रधानमंत्री से करना, प्रधानमंत्री आपके भी हैं हमारे भी हैं, भले दल अलग हो लेकिन दिल अलग नहीं होने चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की जनता इसे स्वीकार नहीं करती। अंतोगत्वा मणिशंकर अय्यर जी को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया, अंतोगत्वा चुनाव में नहीं। राजीव जी, यहाँ पर मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और